विधानसभा चुनाव में बिजली एक अहम मुद्दा भले ही रही हो, लेकिन चुनाव खत्म होते ही विद्युत कटौती लोगों की समस्या बन गई है। गांव में 12-12 घंटे की विद्युत कटौती के बाद बिजली विभाग के प्रति जनता में आक्रोश दिखाई दे रहा है। विद्युत की अघोषित कटौती बंद करने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर पड़ी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और गैसड़ी क्षेत्र के विधायक एसपी यादव की अगुवाई में सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश में योगी जी की पार्ट टू सरकार बनी है तो जनता को सजा दी जा रही है। भीषण विद्युत कटौती हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में 5-6 घंटे बिजली आ रही है और शहरी क्षेत्रों में 10-15 या 12 घंटे बिजली आ रही है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर अगर जल जाते हैं तो बदला तक नहीं जाता है और उपभोक्ताओं के जो है वसूली के चक्कर में उनका कनेक्शन भी काटा जा रहा है। तो ये सरकार जो है, जबकि इन्होंने संकल्प पत्र में वादा किया था जब चुनाव था कि हम बिजली का रेट जो है आधा कर देंगे, तो आधा के चक्कर में आज जो है वो तो नहीं आधा किया बल्कि ज़बरदस्त तरीके से जो है बिजली जो है कटौती की जा रही है। और ये सरकार जो है निकम्मी है। अभी कोयला, अभी कुल हमने देखा है मीडिया में 8-10 दिन के लिए कोयला बचा है। ये सरकार कोयला को भी निर्यात आयात करने जा रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT।